चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे, वहाँ पे अब 1000 विद्यार्थी जो है चुनाव लड़ने की सोच में है। ऐसे युवाओं को तो मैं स्वागत करता हूँ कि जिस राजनीति से उनका मन उब गया है, उनको लग रहा है कि अब इस राजनीति में अब उनके लिए कोई विकल्प नहीं है, तो एक तो अच्छी पहल है कि लोग सोचते हों कि कम से कम राजनीति में जो वैसे लोग चले गए हैं जो युवाओं के बारे में चिंता नहीं करते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते हैं, अब युवा लोग खुद अपने बारे में सोचेंगे तो ये तो बेहतर चीज़ है, स्वागत योग्य बात है। और ये एक तरह से कहिए 1000 युवाओं के चुनाव लड़ने का जो मसला है वो एक तरह से कहिए मजबूरी में उठाया गया कदम आप कह सकते हैं, वो कोई मन से वैसा नहीं है कि वो लड़ना ही चाहते हैं। सवाल है कि जिस तरह से पूरे चुनाव प्रक्रिया को महंगा बना दिया गया कि कोई आम आदमी चुनाव लड़ करके जीत नहीं सकते हैं, वो कैपिटलिस्टों के जरिए वो तैयार किया गया पूरा व्यवस्था बन गया है। ये जनतंत्र और लोकतंत्र की बात करते हैं वो मामूली सी दिखावे की बात रह गई है। ये बड़े पूंजीपति लोग सटोरी लोग पूंजी लगाएंगे वो जीतेंगे और फिर सरकार जो बनेगी जो वहाँ के प्रतिनिधि जीतेंगे वो वैसे ही बड़े कंपनियों के लिए काम करेगी। तो ये राजनीति एक तरह से कहिए कि पूरा देश की राजनीति हो या राज्य की राजनीति हो, कॉरपोरेट घरानों के गिरफ्त में वो एक तरह से कैद हो गया है। उस राजनीति को उससे बाहर निकालने का जो तैयारी है इसमें युवाओं की एक बड़ी भूमिका होगी, और युवा अगर सोचते हैं तो सोच का मैं स्वागत करता हूं। और जिनके रिएक्शन में युवा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, हम ऐसे राजनीतिक दलों से भी ये कहते हैं कि उन युवाओं का जो सवाल है उसको अपने घोषणा पत्र में लेकर के, सिर्फ घोषणाओं के लिए नहीं, उसको ज़मीन पे लागू करने की दिशा में वो पार्टियां, वो दल, वो नेता इसमें सामने आए। भुवनेश्वर केवट, भाकपा माले, वो स्टेट कमेटी मेंबर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।